ऐसे ही 200 दिन का मॉन्स्टर टैक्स ना, जैसे तुम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा पबजी लाइट के लिए एंड पबजी मोबाइल के लिए भी। तो भाई लोग, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं तुम लोगों को टॉप 3 ऐप्स बताने वाला जो आप लोग भाई अपने पबजी मोबाइल या फिर पबजी लाइट के रिप्लेसमेंट में खेल सकते हो। तो भाई आज का वीडियो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। एंड गाइस, अगर तुम लोगों ने अब तक हमारे Q&A में पार्टिसिपेट नहीं करा तो तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर से वीडियो पे जाके कमेंट पे अपना क्वेश्चन पूछ लेना। तो भाई लोग, जो सबसे पहला ऐप आता है वो होता है अपना स्वैग शूटर। तो भाई जो एक स्वैग शूटर करके एक ऐप आया, ऐप आया नहीं है मतलब पहले से ही है, जो गाइज एक ठीक ठाक ऐप मेरे को लगा, जो गाइज हमारी स्नाइपिंग के लिए थोड़ा ठीक ठाक लगा मेरे को, क्योंकि गाइज अभी गई भी अभी के अभी मतलब पबजी बैन हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो हम लोग और भी इसके पार्ट्स निकालेंगे एंड गाइज और भी अच्छे अच्छे गेम्स लेंगे। तब तक तुम लोग कुछ इन्हीं गेम्स को खेल के भी काम चलाओ। अभी गाइज ये जो ऐप्स हैं ना, मतलब स्वैग शूटर एंड ये सब, गाइज ये वाले गैप्स ऐप ना भाई मेरे को इतना ज़्यादा मतलब पहले मेरे को सही नहीं लग रहे थे, बट 2-3 मैच मैंने खेले तो ठीक ठाक लगे, तो तुम लोग थोड़ी देर टाइम तक खेल सकते हो। अभी गाइज ये तुम लोग को देखने में तो लगेगा कि भाई ये एकदम मतलब पबजी की तरह है, बट गाइज ये एकदम एग्जैक्ट पबजी की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो मेरे को ऐसे स्वैग शूटर इतना ज़्यादा मतलब पसंद भी नहीं आया, मैं इसको ज़्यादा खेलूंगा नहीं, बट या अगर इस कभी कभी मन करेगा तो खेल लेंगे। क्योंकि इस मैंने सुना है कि भाई ज़्यादातर बंदे COD पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो जो बंदे भाई COD पे शिफ्ट नहीं हो सकते उनके लिए भी बेस्ट ऐप्स मैं बता रहा हूँ, तो उसमें से शायद से एक स्वैग शूटर हो सकता है। तो भाई लोग, स्वैग शूटर के अंदर कैसे एकदम कुछ फ्यूचर्स से पबजी जैसे हैं तो कुछ अपने ही हैं, एंड गाइस कुछ मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये जो स्वैग शूटर वाला ये जो ऐप है, ये मेरे को इतना ज़्यादा मतलब पहले पसंद नहीं आया था, तुम लोगों को मैंने पहले बताया। एंड इसका साउंड तो भाई पूछो ही मत, क्या ही बेकार मतलब इसका बैकग्राउंड साउंड है, साउंड बोल रहे साउंड है। तो भाई लोग, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बट गाइस जो मेरा एक ग्लिच हो गया पता नहीं क्या, कि गाइस मैं जो इन गेम का जितना भी रिकॉर्डिंग था भाई वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, एंड इसलिए गाइस मैं तुम लोगों को इसके बारे में इतना ही दिखा सकता हूँ। तो ये बढ़ते अपने नेक्स्ट गेम के ऊपर। तो गाइस जो अपना नेक्स्ट गेम है भाई, वो अपना फ्री फायर है। ये भी ज़्यादातर रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था, मेरे को ये पता नहीं था, तो ये ज़्यादातर रिकॉर्ड नहीं हुआ था एंड उसके लिए सॉरी। बट क्या गाइस ये वाला एक मतलब जो फ्री फायर अपना गेम है सबको पता है, एंड गाइस एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है पबजी मोबाइल एंड पबजी लाइट दोनों के लिए, कि वो लोग इस वाले पे आ सकते हैं। अगर कोई COD डाउनलोड नहीं कर सकता तो मैं ज़रूरी बोल रहा हूँ, ज़रूर बोल रहा हूँ कि तुम लोग फ्री फायर पर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि भाई एक फ्री फायर एक अच्छी चीज़ है जो गाइस जैसे COD को थोड़ा सा मतलब कहते हैं थोड़ा सा मतलब कॉम्पिटिशन दे सकती है, एंड चाहे फ्री फायर COD को बीट भी कह सकती है, क्योंकि बहुत सारे बंदे भाई अभी फ्री फायर पे शिफ्ट हो गए हैं, एंड मेरे फ्रेंड्स तो पहले से खेलते हुए आ रहे थे, तो इसलिए मैं उनके साथ जरूर खेलता ही हूँ। मैं फ्री फायर खेलता हूँ, बहुत पहले से खेलता हुआ आ रहा हूँ मैं फ्री फायर, तो फ्री फायर तो मैं ज़रूर खेलूंगा। एंड तुम लोग बताएं कि क्या तुम लोग फ्री फायर खेलोगे या फिर तुम लोग अपना ईगो को रखे हुए COD खेलोगे जो तुम्हारे मोबाइल में बहुत ज़्यादा लैग करेगा, एंड इतना अच्छा अपडेट भी नहीं है COD में। तो मेरे को तो COD वैसे मैं खेलने वाला हूँ अगर मेरे क्लैन मेट्स खेलते हैं, तो बाकी फ्री फायर तो खेलूंगा ही खेलूंगा। तो भाई अभी गाइस मेरे को फ्री फायर बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने पूरा एक मैच खेला फ्री फायर का एंड बहुत ज़्यादा पसंद आया, जीत नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा जानते हो यार कितना अच्छा खेलता हूँ। एक्चुअली मैं पहले खेलता था फ्री फायर जब पबजी खेल नहीं सकता था टैबलेट में, तो तब तो भाई अब हमारे भाई से ये न्यू न्यू सा ये गेम आया, तो इस गेम का नाम भाई क्या था, इस गेम का नाम बैटल रॉयल था, इस गेम का नाम ही बैटल रॉयल था। तो इसका गाइस मैंने एक गेम चलाया, इसके पहले तुम लोग को भाई कुछ बॉट्स को मारने के लिए बोला जाता है एंड गाइस उसके बाद तुम लोग को एक गेम खेलने के लिए बोला जाता है। तो अभी मैंने एक गेम खेला जिसके अंदर मैं #2 पे आया, फ्री फायर में भी #2 पे आया था, एंड ये जो अपना स्वैग शूटर है उसके ऊपर भी #2 पे आया था, तो मतलब मैं जीत ही नहीं पाया। तो अभी गाइस मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड इग्नोर करना, बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी। एंड गाइस अभी गाइज इसके अंदर गाइज स्टार्टिंग में तुम लोगों को गाइज ये खुद बोलेंगे कि गाइज तुम लोगों को खुद बोलेंगे कि बैटल खेलना है, बैटल खेलना है, तुम लोगों को कुछ और सिलेक्ट नहीं करने देंगे। एंड गाइज पहले ही बता रहा हूँ कि गाइज तुम लोगों को उतरने के पहले तुम लोगों को एक जगह पे मार्क लगा देना है, वरना गाइज ये तुम लोगों को इस गेम से एग्जिट करा देगा। तो तुम लोगों को एक जगह पे मार्क लगा देना है, वरना वहाँ पे तुम लोग नहीं कूद पाओगे। एंड गाइज ऑटोमेटिक जंप हो जाता है, ना ही प्लेन होता है ना ही कुछ, तो ये बस गाइस एक ही चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि इसकी इसके अंदर मतलब गाइस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड गाइस बाकी सब इसका बहुत ज़्यादा मेरे को
बेकार से लगा, क्योंकि मेरे को ऐसे व्यू में खेलना एंड ऐसे कंट्रोल्स के साथ खेलना की आदत नहीं है। मैं फ्री फायर में खेल रहा हूँ बट एकदम ऐसे भी व्यू, व्यू को तो भाई छोड़ ही दो, व्यू के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, व्यू तो बहुत ज़्यादा बेकार है। कंट्रोल चलो थोड़ा सा कंट्रोल लेबल है बट नहीं हो पाया था यार, नहीं हो पाता। एंड इसका गाइस जो सर्कल है वो भी बहुत जल्दी आ जाता, मतलब भाई कूदने के थोड़ी देर बाद, शायद से 15-20 सेकंड बाद ही आ जाता, जस्ट लाइक अभी देख सकते हो ऊपर गए सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड में आने वाला है। एंड थोड़ी देर सेकंड में मतलब भाई श्रिंक होना चालू हो जाएगा। अभी देख सकते हो कि भाई यहाँ पे भाई श्रिंक होने का टाइम भी आ चुका है। एंड 63 सेकंड में पहला होता है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा होता है, ऐसे ही होता है। एंड गाइस इसका सर्कल भी मेरे से बहुत ज़्यादा दूर पड़ा, पता नहीं क्यों। एंड गाइस इसका मैं पूरा गेम नहीं दिखा पाऊंगा बट मैं सोच रहा हूँ कि बीच बीच में से मैं कट कर दूँ, तो चलो गाइस मैं कट करके आता हूँ। मैंने कट कर दिया, बहुत बड़ा पार्ट कट करा है, मतलब मैंने स्टार्टिंग से एकदम एंड भी ले आऊँ। मैं 3 अलाइव है, मेरे को अभी पता नहीं था कि भाई 3 अलाइव है, मेरे को इतना मतलब मेरा पहले गेम था इसके अंदर, तो मेरे को इतना पता नहीं था कि भाई 3 अलाइव है, मैंने कितने बंदे मारे हैं। वैसे मेरे को पता है कि 0 किल है मेरे बट तो भी यार। एंड यहाँ पे एक और बंदे ने मेरे को मारते जाते मेरे ऊपर रश कर दिया, एंड यहाँ पे मैं मारा गया, तो खेलना नहीं आता है इसलिए मारा गया। जब खेलना सीख जाएंगे तो इसका भी गेम प्ले निकालेंगे, तो ये फर्स्ट गेम था इसलिए मारा गया। बाकी तुम लोगों को अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय। एंड एक और बार बता के जा रहा हूँ कि भाई अपने चैनल पे Q&A चल रहा है, Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। तुम लोगों को लास्ट वीडियो पे जाके बस अपना क्वेश्चन कमेंट करना है। तो भाई आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं।